अभी आ गए हम लोग हैं मार्केट, क्योंकि लॉबी को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हमें रंगोली कलर्स वगैरह लेने हैं और कुछ लाइट वगैरह लेनी है। तो हम अपनी लॉबी को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, हैं, क्योंकि शाम को है मेला, दीपावली मेला है, तो उसके लिए तैयारी और रंगोली कॉम्पिटिशन भी है। तो उसके लिए रंगोली बनाने के लिए कलर अलग ले लेंगे और लाइट ले लेंगे। और अभी चलते हैं आगे लाइट की तरफ। अभी आ गए हैं लाइट वाली मार्केट में, तो यहाँ से ले लेंगे लाइट लॉबी के लिए। बहुत सुंदर सुंदर लाइट हैं, तो हमारा सामान सारा सामान ले लिया है। अब चलते हैं घर, और घर आने के बाद हमने इतने अच्छे से डेकोरेट करवाया अपनी लॉबी को, कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए हैं, और रंगोली के लिए भी 3-4 घंटे लग गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो सबने मिलकर रंगोली बना दी है। बहुत सुंदर रंगोली बनाई है और सजावट भी बहुत अच्छे से करी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुषमा ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग पार्क में, क्योंकि पार्क में लगाया गया है दीपावली मेला, तो हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं। इस साल सारे फेस्टिवल इतने जल्दी आ गए हैं कि ज़्यादा कुछ तैयार करने का टाइम नहीं मिला है, और लेकिन जितना भी टाइम मिला है तो इस साल अच्छे से मेला है लगाया गया है पार्क में, क्योंकि 2 साल से तो कोई प्रोग्राम हुआ नहीं था, तो इस साल का ये पहले ही दीपावली मेला है, क्योंकि 2 साल से बंद था, तो सब लोग बहुत खुश हैं। और इस तरफ बच्चों के लिए लगाए गए हैं ईयर वाले झूले, जिसमें बच्चे खूब जंप करके एंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, खाने का स्टॉल भी हैं जगह जगह पर, तो बहुत से लोग खाना भी खा रहे हैं, स्नैक्स भी खा रहे हैं। और लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है इस बार पार्क में, और सोसाइटी में भी, सब फ्लैटों में भी बहुत अच्छे से लाइटिंग की गई है। और ये है मोमोज स्टॉल, जहाँ पे मोमोज खा रहे हैं, और इस बार आइसक्रीम का स्टॉल भी लगाया गया है, तो आइसक्रीम भी खाएंगे सब लोग। और इससे पहले रंगोली कंपटीशन हुआ था, तो जिसमें के ब्लॉक फर्स्ट आया है। यहाँ पर है पॉपकॉर्न, और ये हैं गुड़िया के बाल। गुड़िया के बाल भी बच्चे बहुत खाते हैं, इसलिए गुड़िया के बाल का स्टॉल भी लगा हुआ है। और यहाँ पे हैं बर्फ़ के गोले, और इसके बाद है बेलपूरी। और यहाँ पे और भी स्टॉल लगाए गए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल हैं, और काफ़ी सारी वैरायटी का खाना है, स्नैक्स है। तो अब चलते हैं हम आगे को, क्योंकि आगे को डांस फ्लोर है, डीजे लगा हुआ है, और स्टेज भी काफ़ी अच्छा बनाया है, तो बच्चे सारे डांस कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पर है ये शॉप्स हैं, जिसमें कपड़े हैं, क्लेचर हैं, और भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, जिसमें दीपावली के लिए भी सामान मिल रहा है पूजा के लिए, जैसे कैलेंडर हो गया, रंगोली हो गई, तो काफ़ी सारे हैं, तो लोग वो भी ख़रीद रहे हैं। और यहाँ भी अलग अलग स्टॉल लगाए हुए हैं, और अलग अलग सामान मिल रहा है, ज़्यादातर दीपावली का ही सामान है, और कपड़े भी हैं, तो लोग ख़रीद रहे हैं काफ़ी, क्योंकि अब अपार्टमेंट के अंदर मेला लगा है, तो अपार्टमेंट के अंदर से ही ले लेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो शॉपिंग भी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। ये कपड़े का स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे सूट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे लगाई है ज्वेलरी शॉप की दुकान है, तो यहाँ पे है ज्वेलरी, काफ़ी सुंदर सुंदर सेट हैं, इयर रिंग्स हैं और नेकलेस हैं, पूरे सेट में भी हैं, बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पर बैठी हैं आंटी जी, ये बहुत अच्छे से बात करती हैं हमारे अपार्टमेंट की। और भी काफ़ी सारे लेडीज़ हैं, वो भी बैठी हुई हैं साइड में, और कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं।
काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है, सोसाइटी में चमक रही है एकदम से। रात में भी ऐसे लगता है कि जैसे सूरज निकला हुआ है, उजाला है, बहुत ही कलरफुल और सुंदर डेकोरेशन किया गया है सोसाइटी का हमारा। आप चलते हैं आगे, ये हमारी फ्रेंड्स है जो ग्रुप में है। काफ़ी कम आई हैं क्योंकि सब लोग दीपावली की सफाई और क्लीनिंग और पकवान बनाने में बिजी हैं, तो बस कम ही लोग आए हैं। हम भी आ गए हैं घर और हो गया है काफ़ी लेट, तो डिनर के लिए बना लेंगे पराठे और चटनी, दही और अचार। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सुषमा ब्लॉग।